ये जो मनुष्य जन्म मिला हुआ है इसका पूरा लाभ अगर लेना है तो हमारे अंदर जो एक महत्वपूर्ण नाड़ी है सुषुम्ना जिसे कहते हैं, उसको जितनी ज़्यादा क्रियाशील करें तो उसका उसे उस अभ्यासी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। हमारे पूरे जीवन चक्र को, यानी जो हमारा शुरुआत का जन्म है लेके जो आखिरी जन्म है तब तक, यानी ब्रह्म से अलग हुए और ब्रह्म में लीन हो गए, ये सुषुम्ना नाड़ी महत्वपूर्ण कार्य करती है। वर्तमान में यानी संसारी पुरुष जो अभ्यास नहीं करते हैं, सुषुम्ना नाड़ी कार्य तो करती है लेकिन बहुत ही थोड़ा। जब सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी अथवा स्वर बदलते हैं, गौर करें, स्वर का मतलब अगर नाक के छिद्रों से देखें, हाथ को ऐसा करें और धीरे से सामान्य रूप से श्वास बाहर को निकालें तो आप अनुभूति करेंगे कि एक श्वास से, एक छिद्र से ज़्यादा वायु निकल रही है, एक से कम निकल रही है। जिस छिद्र से ज़्यादा वायु निकल रही है वो नाड़ी ज़्यादा कार्य कर रही है। और जब ये स्वर यानी छिद्र ये बदलते हैं, अगर सूर्य नाड़ी ज़्यादा चल रही है, जब चंद्र नाड़ी ज़्यादा चलेगी तो सुषुम्ना ही इधर से उधर निचले भाग से करती है या प्रभावित होती है। यानी अगर सूर्य नाड़ी ज़्यादा गति तेज गति से चल रही है, कुछ समय बाद जब स्वर बदलता है, चंद्र नाड़ी ज़्यादा चलती है, तो सुषुम्ना नाड़ी का निचला भाग प्रभावित होता है। सिर्फ मैं इतना कहूँ, साधक जब अभ्यास करता है धीरे धीरे प्राणवायु ऊपर को चढ़ता है, चक्र खुलते हैं, तो कुंडलिनी का यही मार्ग है, वो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर से कभी बाहर से गति करती हुई ऊपर की ओर जाती है। इसे शास्त्रों में देव मार्ग या देव पथ कहा हुआ है। सुषुम्ना नाड़ी जब पूर्ण रूप से खुल जाती है या क्रियाशील होती है तब साधक मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मोक्ष का मतलब यहाँ यानी अपराप्रकृत से आगे की ओर चला जाता है। इस सुषुम्ना नाड़ी के आखिरी जगह यानी आखिरी यानी ऊपरी सिरे पर जब कुंडलिनी पहुँचती है अंतिम जन्म में, तो ये जो यहाँ का जन्म लेने का जो बीज है, बीज का मतलब निर्बीज जैसे समाधि यानी जो वृत्तियाँ या कर्माशय हैं अंतिम समय में, तो ये कुंडलिनी शक्ति उसको नष्ट करती है और अभ्यासी भोग करके समाप्त कर देता है। यानी हमारे शरीर में ये सुषुम्ना नाड़ी ही महत्वपूर्ण है। अगर इसे क्रियाशील कर दें तो इस सारे ब्रह्मांड का ज्ञान उसे प्राप्त हो जाएगा, सारी दिव्य शक्तियाँ उसी अभ्यासी को प्राप्त हो जाएंगे, चाहे कोई सा भी योग हो, सतयोग से लेकर के कलयुग, यानी मैं वर्तमान का कहता, बहुत से अभ्यासी या मार्गदर्शक कहते हैं कलयुग है, ऐसा कार्य नहीं हो पाएगा। मैं भी यही कहता हूँ कि कलयुग में एक सीमित ही कार्य योगी लोग कर सकते हैं, बहुत कुछ कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक सामान्य व्यक्ति से, जो संसारी व्यक्ति है जिसने अभ्यास नहीं किया है, उसकी अपेक्षा अत्यंत विलक्षणता को प्राप्त हो जाता है तथा दिव्य शक्तियों से युक्त हो जाता है। तो यानी हमारे शरीर में सुषुम्ना नाड़ी का बहुत बड़ा महत्व है और ये क्रियाशील तभी होती है यानी ज़्यादा, जब हमारे ये दोनों शक्तिवाहिनी नाड़ियाँ जितनी ज़्यादा शुद्ध होंगी सुषुम्ना नाड़ी उतनी ज़्यादा प्रभावित होगी। इसीलिए प्राणायाम का महत्व ज़्यादा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Remember to like, comment and subscribe.